आपसे और कौन कौन सा कमीशन लिया, कौन लिया, क्या हुआ? तो इस लंजल में डायरेक्ट कंपनी से कमीशन मतलब ब्लॉक लेता था। अच्छा, प्रखंड वही कंपनी से। अच्छा, हाँ। कितना कमीशन लेता था वो? 13% कमीशन। अच्छा, 13% फिक्स कर दिया था। हाँ। कितना कमीशन लगेगा? देखिए नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, कि 13% कमीशन पहले काट के दे दिया जाता है वार्ड सदस्य को। उसको 12,30,000 रुपया लेके भाग पेपर होगा आपके पास? जी जी। कहाँ मांगे थे मुखिया जी? अच्छा, कमीशन मुखिया जी भी कमीशन मांगे थे। हाँ। तो हम लोग कमीशन नहीं दिए उनको। मुखिया जी जीत गया, घर बच गया। अच्छा जी, नमस्कार। आप लोग अभी देख रहे हैं मधुबनी गुड न्यूज, और हम आज आ गए फिर। ये विनय सदय जी है, वार्ड नंबर 3 पड़ता है। ये दिनेश सदय जी है, इनकी पत्नी है वार्ड सदस्य। इन्हीं से हम बात करेंगे, और सबसे पहले चाहेंगे कि आप अपने शब्दों में पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम दिनेश सदय हुआ, मरिया पंचायत वार्ड नंबर 3 वार्ड सदस्य मेरी पत्नी है। अच्छा सदय जी, हम आपके वार्ड में जब घूमे तो लोगों को देखे कि नल का पानी से वंचित है। वैसे तो मूलभूत सुविधा जो भी है सबसे वंचित है, न शौचालय मिले लोगों को, न आवास, न कुछ भी। मतलब देखा जाए कि इस वार्ड में शायद विकास नहीं हुए, न के बराबर ही हुए। चाहे मुखिया हो, जिला पार्षद समिति हो, सब दोषी है। कहीं ना कहीं आप वार्ड सदस्य है, आप भी दोषी है, अपने वार्ड में नहीं काम हो पाए। इसका सबसे पहला कारण क्या है, बताइए। सबसे दोषी तो मतलब वार्ड सदस्य को यहाँ जनता देता है जी। लेकिन जो है ये बात, यहाँ का जो मुखिया है वो पूरा लापरवाही। अच्छा। न जनता कभी समाज में, चाहे गांव टोल मोहल्ला में आके कभी किसी को न कुछ देखता है, न सुनता है, न कोई सुविधा सी बात करता है। रह गई बात ये नल वाली बात, कुछ लोग जैसे कि सही है, जो सही है वही बताए कि नल नहीं लगा है। कहीं कहीं लगा है, ऐसा नहीं है, लेकिन नहीं लगा है, पानी नहीं आ रहा है, क्या है मसला बताइए। सबसे मसला ये कंपनी ठेकेदार की है, जो वार्ड सदस्य से पैसा लेके वो भाग गया, जो कि वार्ड सदस्य उसको 12,30,000 रुपया लेके भाग गया। पेपर होगा आपके पास? जी जी। कहाँ? यही है पेपर जो उन्होंने आवेदन दिए हैं, मंत्री जी को दिए हैं, जिन को दिए हैं। ये वही ठेकेदार है जो कि 6 नंबर वार्ड में भी पैसा लेके गए थे शिव गंगा एजेंसी वाले, ठीक है, शिव गंगा एसोसिएशन प्राइवेट लिमिटेड। यही है इनका, इनका मालिक कहा जाए या डायरेक्टर कहा जाए, दीपक झा जी है। तो बता रहे थे क्या हुआ था, कि आप कितना पैसा लेके भाग गए आपका? मेरा पैसा इसमें से 12,30,000 लेके चला गया। अच्छा, 12,30,000 लेके चला गया। काम कितना किया? काम किया है, बोर्डिंग किया है, पाइपलाइन किए हैं, पाइप पूरा कर दिए हैं। हाँ, पाइपलाइन पूरा कर दिया है, नहीं कुछ बाकी भी है, सब में सब लगभग बाकी है, वो गाड़ने का वो भी नहीं हुआ। और कनेक्शन, होम कनेक्शन में जो 175 घर की होम कनेक्शन है वो 75 घर करके छोड़ दिए, 75 घर कर दिए। 75 घर सिर्फ वो होम पाइप लगा के छोड़ दिया है, ना उसमें जीआई लगाया है, ना वो मिट्टी में गारा है, सिर्फ ऊपर में छोड़ के उस दिन से काम वो वंचित। कई बार हम लोग जी, हम आप लोग को दिखाएंगे भी कि किस तरह से ठेकेदार वर्क किए, काम किए। कहीं पाइप ऐसे ही है, ऊपर ही है, अंदर मिट्टी के अंदर नहीं दिया, कहीं कहीं फट गया है। तो इस तरह के ठेकेदार काम किए, इनका वर्कर काम किए हैं, और जो काम किए हैं किए हैं, फिर भी पैसा लेकर के इन वार्ड सदस्य का, गरीब गुरुआ का लेके चले गए। तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से कहेंगे कि हम जब आए इस पंचायत में, इस वार्ड में देखे तो बहुत बड़ा बड़ा समस्या दिखा, और ये समस्या सब बहुत प्रॉब्लम लाता है। ये समस्या, ये चीज जान लीजिए, ये मुख्यमंत्री को दोष नहीं देता है, ये मुखिया को दोष नहीं देता है, ये जिला पार्षद को नहीं बताता है लोग। ये सिर्फ लोग ये बताते हैं कि वार्ड सदस्य के पैसा आया था, वार्ड सदस्य पूरे पैसा खा लिए और गमन कर लिए, हम लोग का पानी नहीं मिल रहा अभी तक। यहाँ के लोग पानी से भी वंचित है, ये चीज हम दिखाएंगे आप लोगों को। तो हम यही निवेदन करेंगे कि ठेकेदार कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा दोषी है। सबसे बड़ा अगर दोषी है तो वो ठेकेदार है, जो भी है, पैसा इन लोगों को गमन करके चला गया है, तो इन पे कार्रवाई होना चाहिए। आप क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी से हम यही अनुरोध निवेदन करेंगे कि सख्त कार्रवाई
कंपनी के ठेकेदार के ऊपर करके हम लोग को जैसे अथी मतलब न्याय मिलना चाहिए न्याय दिए। और बता रहे थे आप ठेकेदार से आपके यहाँ से कब काम छोड़ के चले गए? वो काम लगभग 1.5 साल पहले छोड़ दिए। अच्छा, 1.5 साल पहले छोड़ दिए, तो उनसे आप बात किए? बात करके हम लोग के वहाँ बात जब किए तो ऑफिस पे बुलाता था जो आइए ठीक है देखते हैं जो कैसा क्या सेटिंग है। कई बार हमको ऑफिस पे बुला के जब जब बार जाते थे वो धमकी दे के वहाँ से जो भागो यहाँ से जो करना है कर लो जो मतलब बहुत हम आगे तक पहुंच है मेरा जो हम किसी से डरने वाले नहीं है। अच्छा, वैसे करेगा तो हम मतलब धमकी देता था मरवा देंगे ये करेंगे वो करेंगे दीपक झा की ये इस तरह से दबंगे ही दिखाते थे हम एक तरह से दबंगे ही कहा जाए कि क्रैमर कहा जाए कि इस तरह के व्यक्ति है जो अगर जाते हैं वार्ड सदस्य हो या जो भी व्यक्ति सब अगर मिल के जाते थे सचिव हो तो उनको यही कहता था कि जाओ जो करना है कर लेना हम नहीं डरने वाले हैं हमारा पहुंच आगे तक है। आगे तक कहाँ है मंत्री, अब मंत्री उनका है डीएम मेरा है मंत्री मेरा है। अच्छा, क्या बोल रहे थे? डीएम मेरा है मंत्री मेरा है जहाँ जाना है तुम जाओ कुछ नहीं कर लेगा तू। देखिए बिहार के प्रधानमंत्री जी आप देखते होंगे तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि बिहार में इस तरह के ठेकेदार है कहता है कि मंत्री मेरा है डीएम मेरा है तो ये तो पूरा खुलेआम चुनौती दे रहे हैं तानाशाह है इससे बढ़ के तानाशाह इससे बढ़ के डेमोक्रेटी अब क्या होगा इससे बड़ा तानाशाह कौन होगा अब कोई नहीं है। हम यही निवेदन करेंगे कि इनको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। और आपको ये प्रखंड विकास पदाधिकारी या डीएम के पास जब गए तो क्या हुआ इन लोगों के पास नहीं दिए ये? जी जी सब यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास जब गए बीडीओ साहब के पास तो वो बोला जो जो जिस टाइम में जो काम किया है जो था उससे जाके मिलो और उससे करवाओ हम नहीं जानते अच्छा, हैं कुछ ये बोला कि हम नहीं करेंगे लास्ट में हम लोग बोले जो सर हमारा FIR करवा दीजिए थाना से वो भी नहीं करवाने के लिए तैयार हुए। थाना में गए तो थाना बराबर बोले जो जब तक वीडियो अनुशंसा नहीं करेगा तब तक हम नहीं करेंगे। सही बताए जब प्रखंड कार्यालय प्रखंड विकास पदाधिकारी जब तक अनुशंसा आपको लेटर नहीं देंगे जी जी। तब तक वो FIR नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यही कहेंगे जो हम चाहे थाना प्रभारी हो BDO हो जो भी हो दोषी पे कार्रवाई होना चाहिए। आप लोग लापरवाही कर रहे हैं और खुलेआम जो क्रैमर है जो डेमोक्रेटी है जो तानाशाह है वो खुलेआम घूम रहे हैं। और ये आपका मामला नहीं हमको पता चला है कि कतनों ऐसे हैं जो मधुबनी जिला में ये ठेकेदार फेमस हो गया है। कुछ लोग ऐसे बयान दिए हैं हम दिखाएंगे कि एक व्यक्ति थे बता रहे थे कि ऐसे है कि मधुबनी जिला में उनका पूरा कैरेक्टर खराब है पूरा जिला को लूट के खा गया है। तो हम पंचायती विभाग के मंत्री से निवेदन करेंगे सम्राट चौधरी से कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए और इनको सजा मिलना चाहिए। इसमें मुखिया जी का क्या रोल है? मुखिया जी को कमीशन नहीं दिए थे क्या आप या एप्लीकेशन दिए थे कि नहीं उनको? जी एप्लीकेशन कुछ दिन पहले दिए थे तो बोला मुखिया जी जो जो ठेकेदार काम किया है और उसको शुरू में कमीशन मांगे थे मुखिया जी लेकिन अच्छा, कमीशन मुखिया जी भी कमीशन मांगे थे तो हम लोग कमीशन नहीं दिए उनको इसलिए वो हम लोग को कभी खोजा भी नहीं। और ये मामला को लेके हम लोग गया इस बीच में तो सीधा से बोला जो किया है वो अपना जानो हम कुछ नहीं। तो पहले लोग शोषण करते थे हर किसी को एक दूसरे को शोषित करते थे और जो बोलते थे वही होता था लेकिन अब नहीं है अब सब जागरूक हो गए हैं हर किसी को पता है कि हमारा हक अधिकार क्या है सब लेने के लिए तैयार है तो आप भी अलर्ट हो जाइए। चलिए हम ये बताएंगे कि आपसे और कौन कौन सा कमीशन लिया कौन लिया क्या हुआ? कमीशन हमसे यहाँ नहीं लिया गया वो डायरेक्ट जो है सो इस लंजल में डायरेक्ट कंपनी से कमीशन मतलब ब्लॉक लेता था। अच्छा प्रखंड वहीं से कंपनी से अच्छा हाँ। कितना कमीशन लेता था वो? 13% कमीशन। अच्छा 13% फिक्स कर दिया था हाँ। कितना कमीशन लगेगा? देखिए नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कि 13% कमीशन पहले काट के दे दिया जाता है वार्ड सदस्य को। कहीं न कहीं बिहार सरकार भी आप लोग के साथ धोखाधड़ी की है कि PhD को दिए 40 लाख और आपको मिला है 20 लाख 19 लाख यही चीज समथिंग रहता है। तो क्या कहना चाहेंगे बिहार सरकार से कि ये अन्याय किए हैं कि नहीं? बिहार सरकार से यही मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि इस
काम के इस नल जल योजना की जो मेरा राशि जो गबन करके ठेकेदार जो बैठ गया है उसको सख्त कार्रवाई करके मेरा जो है जो अथी कार्य पूरा किया कार्य पूरा करके जो राशि गमन किया वो या तो राशि वापस करे या तो जो मेरा या तो मेरा आप तो काम बाकी है वो काम पूरा करके जो बकाया राशि हमसे बनता है हम तेरे ऊपर बनता है या उसके ऊपर बनता है कई बार जय साहब उसको बुलाया जो हिसाब करके अपना क्लियर कर लिए जय साहब के भी बात नहीं माना दबंगता के साथ जय को भी यहाँ नहीं मानते न वीडियो को मानते हैं न डीएम को मानते हैं वो सबको कहता है जो मेरा ही आदमी है जो करना है कर लो तो इसके लिए मैं मंत्री जी से यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरा ये जो पैसा गबन करके जो ठेकेदार बैठ गया है वो शख्स ठेकेदार के ऊपर कार्रवाई करके मेरा जैसे न्याय मिलना चाहिए दिला दीजिए। क्या नाम है आपका? बली सादा। कितना नंबर वार्ड है ये? तीन नंबर। तीन नंबर वार्ड है। कौन है मुखिया यहाँ के? ये सत्यनारायण मुखिया है। आपसे जितने भी सुविधा होनी चाहिए चाहे शौचालय हो या आवास हो प्रधानमंत्री आवास ये सब प्रोवाइड हुआ है कि नहीं? मतलब इसका कहने का मतलब है कि ये सब मिला ही कि नहीं आपको? ये सब नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला अभी तक? शौचालय भी नहीं बना है। घर कौन सा है आपका? यही घर है। यही घर है ना? अच्छा आप बताइए कि शौचालय नहीं बना है? नहीं। रोजगार कार्ड बना है? रोजगार कार्ड जॉब कार्ड जिसको कहते हैं जॉब कार्ड कुछ भी नहीं बना है? नहीं बना है। मुखिया जी कभी आते हैं कि नहीं आते? कभी नहीं। कभी नहीं? हाँ आ गया ये चाची, इधर आ गए। आ गए क्या क्या बोलिए तो क्या हुआ था बोलिए? कभी नहीं आता है? पेंशन मिले है? पेंशन नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है? राशन नहीं मिले आपको? मिलता है राशन? कितना क्या किलो मिलता है राशन? राशन नहीं मिलता है? आपको क्या किलो मिलता है? 24 किलो। कितना क्या किलो? अरे एक एक व्यक्ति पे क्या किलो मिलता है? नहीं मिलेगा? चार किलो का? चार किलो? पाँच किलो नहीं मिलता है? कौन है डीलर का नाम मालूम है? डीलर है चंद्र यादव। चंद्र नारायण यादव। कौन है डीलर? चंद्र नारायण यादव। चंद्र नारायण यादव है। ये भाई साहब आ गया जी थोड़ा। ये विकलांग है आप? इनके पति है? क्या है नाम बताइए आप अपना? कौन क्या नाम है? आपका नाम क्या है? ये आपका पति है? विकलांग है, पैर से विकलांग है ये व्यक्ति। ये व्यक्ति अभी चावल वाल नहीं मिल रहा है डीलर के? राशन कार्ड नहीं बना है? मुखिया जी कभी आए हैं देखने के लिए? नहीं आए। मुखिया जी नहीं आता है? समिति? समिति भी नहीं आता है? जिला पार्षद? तो ये विकलांग, आप जो विकलांग है इसके लिए मुखिया जी पहल नहीं किए? गाड़ी उड़ी जो मिलता है वो सब नहीं दिलवाए? कार्ड बना है विकलांग कार्ड कोई? मतलब कितना दिन से आप विकलांग है? ये विकलांग करीब 10 साल हो गए। लेकिन आज तक हम बिहार के मुख्यमंत्री से निवेदन करेंगे कि ये व्यक्ति को देखिए कि 10 वर्ष से विकलांग है, इनका एक पैर है ही नहीं और फिर भी अभी तक इनको कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। न कि यहाँ की कहा जाए कि राशन पानी भी नहीं मिल रहा, राशन भी नहीं मिल रहा है। जो गवर्नमेंट की तरफ से राशन मिलता है वो भी नहीं मिला है आपको? नहीं। घर भी नहीं फिर बना होगा? कैसे रहते हैं फिर? कहीं रह लेते हैं? कहाँ रहते हैं? यहाँ पीछे घर है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है? कभी नहीं मिला है? तो मुखिया जी सबसे इस सब चीज पे कभी बात किए हैं? मुखिया पे बात किए हैं? मुखिया जी घर बच गया। अच्छा, जीतने के बाद कभी नहीं आए? कभी नहीं आए देखने के लिए? कभी कभी अभी नहीं किया? बारी बारी से बोलिए, एक एक करके बोलिए। देखिए सर, वार्ड वार्ड में मतलब बल मिला, हर पल में मतलब बल एक एक दिया हुआ है, लाइट स्ट्रीट लाइट दिया है हर पल पर, लेकिन इसी तरह नहीं हुआ है, हर गांव मिल गया। मतलब आपके वार्ड में अभी तक लाइट भी नहीं लगा? अंधेरे में जीना बसर है, सब कुछ करते हैं अपना, अंधेरे में रहते हैं जी। लाइट नहीं लगा? सड़कों पे जो पोल पे जो लाइट लगाते हैं वो लाइट नहीं लगा? एक भी पोल पे नहीं है? तो इस सब चीज के लिए मुखिया जी पैसा खा गए, लाइट पूरा या वीडियो या क्या हुआ? मुखिया जी कभी नहीं आए पंचायत में?
देखिए ये लोग सारी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, लाइट हो, जो भी हो, जितने भी सुविधाएं हैं पंचायती विभाग से, चाहे रोजगार कार्ड हो, मनरेगा विभाग से आजकल बहुत सारा पैसा आता है। आप लोगों के पास पैसा नहीं आया? नहीं। रोजगार कार्ड जो लेबर का काम करते हैं, बाकी सब लोग तो लेबर का ही काम करते हैं। सब लोग क्या करते हैं? आप सब कंपनी में जॉब करते हैं? लेबर का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। तो मजदूरी का एक कार्ड होता है, गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, उसमें पैसा आता है। ये सब पैसा नहीं दिया है? कार्ड नहीं बना है? नहीं बना है, पते नहीं है। देखिए ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो सही में, हम एक्चुअल ये चीज बताएंगे कि पंचायती विभाग के जितने भी जानकारियां हैं सारे लोगों को पता नहीं रहता है, जो हमारे पंचायत में किस तरह की योजना आई है, क्या कहाँ होगा, एक भी योजना को मालूम नहीं है, फिर भी लोग क्या करेंगे? आप देखिए इनको मालूम नहीं है रोजगार कार्ड क्या होता है, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है। कभी मुखिया जी सब चीज पे आम सभा या बैठक जो होता है वो सब नहीं किए? कभी नहीं किए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका बताइए, क्या है समस्या बताइए? बोलिए बोलिए ना, क्या समस्या है? कुछ नहीं मिल रहा है? अभी विकलांग हो? विकलांग है मतलब सब जो है सो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ गाड़ी उड़ी सब जो होता है कुछ नहीं मिला अभी तक। साइकिल जो मिलता है वो चार चक्का कुछ मिलता है ना, वो गुड़काने वाला नहीं मिला है? बाकी सब कुछ मिल रहा है, राशन पानी सब मिलता है? आधार कार्ड भी नहीं बना अभी तक। कितना दिन शादी हुआ, कितना पहले, कब आए शादी करके? तकरीबन 10 वर्ष से पहले ही हुआ है, 15 वर्ष, लेकिन आज तक आधार कार्ड से वंचित है लोग। क्या हुआ, आधार कार्ड बनाने के लिए गए तो नहीं बना? मुखिया जी को नहीं बोले इस सब चीज में? मुखिया जी को नहीं बोले इस सब चीज के लिए? अच्छा, वोट लेने के लिए क्या बोले? आप लोग वोट लेने के लिए आते हैं क्या? बोले बोले अच्छा, और उसके बाद कभी नहीं आए? कभी नहीं आए, कोई भी नहीं आता है। देखिए इन लोगों की बड़ी बड़ी समस्या है, जितना दिखाएंगे उतना कम है। अब मान लीजिए विकलांग है, 15 वर्ष हो गए उनकी शादी को, और ये व्यक्ति लोग को अभी तक राशन कार्ड नहीं बना, बताया जा रहा है कि आधार कार्ड से भी वंचित है। तो हम यहाँ पे यही कहेंगे कि यहाँ की जो मतलब जनप्रतिनिधि है, जो मुखिया हो, समिति हो, जिला पार्षद हो, सिर्फ वोट मांगने के लिए आते हैं, इन लोगों का शोषण करते हैं। कौन से जाति से आप लोग बिलोंग करते हैं? मुसहर है। तो आप लोगों को यूज किया जाता है क्या? आपका वोट ले करके जीत लिए बस चल दिए, वही होता है? कभी नहीं आते हैं? कभी नहीं आए हैं? मतलब वोट लिए उसके बाद चल दिए, अपना काम हो गए उनका, और एक भी दिन अगर इस जनता के पास आते मिलने के लिए, इनका हाल जानने के लिए, तो जानते। हम आप लोग को बता दें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। मधुमती गुड न्यूज सब्सक्राइब जरूर करें।